हेलो दोस्तों, दिस इज बात रोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारे इन्फोसिस का पजल क्वेश्चंस पार्ट 7। इससे पहले मैंने 6 पार्ट बना के अपने इन्फोसिस पजल नाम के प्लेलिस्ट में सेव कर रखा है, तो आप जाइए वहां से सारा का सारा जो वीडियो है एक्सेस कर सकते हैं। पार्ट 6 तक मैंने अपलोड कर रखा है, ये हमारा पार्ट 7 है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे एक बहुत भयानक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने के बाद 90% बच्चे इसको करते हैं स्किप और बढ़ जाते हैं आगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऐसा तरीका जिससे आप क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और काफी अच्छा से आंसर देंगे और पजल सेक्शन में पूरा का पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम इसको देखेंगे हॉरिजेंटली। क्या देखेंगे हम? हॉरिजेंटली देखेंगे, इधर से इधर। उसके बाद हम क्या देखेंगे? हम वर्टिकली। तो सबसे पहले हम क्या लॉजिक लगाते हैं, सब पहले हम जोड़ के देखते हैं, पहले हम ऐड करेंगे। तो 4 + 4 कितना होता है? 8, लेकिन यहाँ 10 है तो हमारा जोड़ खत्म हो गया। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16, 10 से खत्म। फिर माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, खत्म। अब मैं डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा, खत्म। तो अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे स्क्वायरिंग करना है, मैं स्क्वायर करूंगा। तो मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फिर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 × 4 = 16, 16 = 32, लेके यहाँ 10 आ रहा, ऐसा नहीं होने वाला है, ये भी कैंसिल। मैं क्या करूंगा? 4 का स्क्वायर करूंगा और उसमें 4 जोड़ूंगा। 4 × 16 + कितना 4, कितना हो रहा है? 20, लेकिन यहाँ 10 लाना है। मैं सिंपली क्या करूंगा? 2 से भाग दे दूंगा और हो जाएगा हमारा 10। दिमाग ये हमारा इस तरह बन गया, सेम टू सेम यही लॉजिक लगा के मैं दूसरा में देखता हूँ। अगर दूसरा में सेम टू सेम यही लॉजिक लगाने पर काम कर गया तो हम मान लेंगे कि यही लॉजिक काम करेगा। वैसे ही बढ़ूंगा मैं दूसरा में और लगा दूंगा क्या? 5 का स्क्वायर + 5, 5 × 25 + 5 यानी 30 / 2 = 15। जी हाँ, 2 में हमारा सेम टू सेम लॉजिक काम कर गया। जब 2 में हमारा काम कर गया तो मुझे अब दूसरा और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 में काम कर चुका है। तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा यहाँ और सेम टू सेम यही लॉजिक लगाऊंगा यहाँ। तो मैं लिखूंगा 9 का स्क्वायर + 9 = 81 + कितना 9 = 90 / 2 = कितना 45। और यही है हमारा ऑप्शन ई में, यही है किसमें? ए में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप काफी आसानी से इस तरह टैकल कर सकते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करेंगे। तो एक बार में ही आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज मत लगाएं, धीरे धीरे प्रयास करें, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी के साथ वीडियो में बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को भी देख के बहुत सारे बच्चे स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ 3 फिगर है। तो मैं शुरू से ही लॉजिक देखना शुरू करूंगा, ठीक है? तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 2 × 2 करूंगा तो 4 आएगा, देख पा रहा हूँ कि 3 × 3 करूंगा तो 9 आएगा, देख पा रहा हूँ कि 5 × 4 करूँगा तो क्या आएगा? 20। सेम से मैं यहाँ भी वही चीज देख रहा हूँ, यहाँ × 2 करूंगा, यहाँ × 3 करूंगा। इससे मुझे एक बात पता चल गया कि यहाँ × 4 करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ मैं किस चीज से इंटू करूंगा? 4 में कि 28 आएगा, तो मैं यहाँ 7 से करूंगा। काफी आसान क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, मैं ये मानूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। इसी के साथ वीडियो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर कर देना है जो इन्फोसिस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखकर बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चे इसको बना देंगे, बहुत सारे बच्चे स्किप कर देंगे। तो मैं बताऊंगा कि आप इसको स्किप नहीं करना चाहते हैं। किसी 3 का यूज करके 4था लाना है, किसी 2 का यूज करके 3रा लाना है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 5 और 3 को ऐड करता हूँ तो 7 नहीं आता है, 8 आता है, ठीक है? 2 और 4 जुड़ता हूँ, 6 आता है, लेकिन यहाँ 1 से कोई संबंध नहीं, गलत। इधर मैं छोड़ दिया, मैं इधर आऊंगा। 5 × 2 = 7 = 8, लेकिन 30 आ रहा है। दोनों का मैं अब इंटू करता हूँ, 5 × 2 = 10, फिर भी नहीं आ रहा 30। तो मैं क्या करूँगा? सबका स्क्वायर करूंगा और ऐड कर दूंगा। सबका स्क्वायर करूंगा, इसका कितना करूंगा? 50 25, इसका 25 + 2 × 4 + 1, 25 × 4 = 29 है क्या? 30। वैसे ही मैं इसमें करके देख लूंगा, इसमें मैं देखूंगा तो मेरा क्या आ रहा है? 3 का स्क्वायर आ रहा है, +4 का स्क्वायर + क्या 5 का स्क्वायर, ऐड करूंगा। 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 16 और 5 = 25, क्या हो जाएगा? 25 25 50। और यही हमारा है, मतलब 2 में जब हमारा सेम टू सेम लॉजिक काम करता है तो हम आंख बंद कर लेते हैं और वही लॉजिक अप्लाई कर देते हैं किसमें? तीसरा में। तीसरा में अप्लाई करेंगे क्या होगा? 7 × 7 = 49, 1 का 1 और 5 = 25। 49 से कितना होता है? 50 + 25 कितना होता है? 75। और यही है हमारा ऑप्शन ए में, यही किसमें है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी के साथ वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हमें काफी आसान दिख रहा है क्योंकि यार यहाँ 23 ला देना है इन तीनों का यूज करके। तो मैं क्या करूंगा? फटाक से इन दोनों को जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 24। 24 में से 1 हटा दूंगा, कितना हो जाएगा? 23। कोई दिक्कत नहीं, मैं फटाक से क्या करूँगा? इन दोनों को जोड़ दूंगा, इससे पहले मैं इसको जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, कितना आएगा? 45। ऊपर वाला को माइनस करूंगा, -2, कितना आया? 43। सेम टू सेम यही लॉजिक मैं इसमें अप्लाई करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, कितना जोड़ा? 33।
33 में से मैं क्या घटाऊंगा तो 32 आएगा, तो मैं 1 घटाऊंगा, और 1 ही हमारा आंसर है जो ऑप्शन सी में। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड का भी हेल्प हो सके और वो भी एक लेवल पर पहुंच सके। तो वीडियो में बढ़ेंगे आगे और देखेंगे तगड़ा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का रहता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बनेगा। तो मैं कहूंगा काफी आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और ये रहा काफी आसान तरीका। क्या करना है आपको, किसी दो का यूज करके तीसरा लाना है, किसी दो किसी तीन का यूज करके चौथा लाना है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 4 का स्क्वायर करता हूँ और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देता हूँ तो हमारा आ रहा है 17, लेकिन यहाँ 16 चाहिए तो ये घटा दूंगा, 16 आ जाएगा। वैसे इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 9, 5 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 25, जोड़ूंगा कितना 34, -1 करूंगा कितना 33। कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम यही लॉजिक इसमें भी है। 4 चौका 16, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49, कितना आ जाएगा 65, कितना आएगा 64 घटा दिया। वैसे सेम टू सेम यही करूंगा, कितना आएगा 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 5 का स्क्वायर माइनस कितना 1, इसे जोड़ूंगा 2 4 50, 25 माइनस 1 29, माइनस 1 बराबर कितना 28, और यही है हमारा ऑप्शन किस में, यही किस में है हमारा ऑप्शन ए में है 28। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक और मजेदार क्वेश्चन, और क्वेश्चन काफी आसान मुझे दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2 और 4 का यूज करके 36 लाया गया है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों को पहले ऐड करूंगा, ऐड करूंगा कितना आएगा 6 आएगा, और इसी का क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों क्या करूंगा मैं ऐड करूंगा, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 81 आएगा। वैसे ही इसमें मैं क्या ऐड करूंगा कि 49 आएगा, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 7 का आएगा। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा तो 7 आएगा 3, और 3 ही ऑप्शन हमारा बी में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो, कर लिए हैं थैंक यू, नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन काफी आसान मुझे दिख रहा है, मैं जैसे यहाँ 6 पकड़ूंगा और 216 देखूंगा तो मुझे एक चीज दिख गया कि 6 का क्यूब है ऊपर वाला, वैसे ही 4 का क्यूब क्या है ऊपर वाला, तो वैसे ही 9 का क्यूब क्या होगा ऊपर वाला, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, तो 729 मुझे पहला दिख रहा है, एक दिख रहा है और एक दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होने वाला है, ये दोनों खत्म हो गया। नीचे क्या किया है इंटू टू कर दिया, नीचे क्या किया है इंटू टू, 4 दूना क्या 8, तो इस नीचे क्या होगा इंटू टू यानी 18, 18 यानी 729 और 18 क्या होगा हमारा आंसर होगा, 729 और 18 क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन काफी आसान है, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पीछे कीजिए, वीडियो को कीजिए पीछे और एक बार और समझिए। मैं गारंटी देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद आप इन्फोसिस का जो पजल सेक्शन है उसमें काफी अच्छा से आप परफॉर्म कर पाएंगे और चीजों को बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी नोट्स के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक और क्वेश्चन। ठीक है, आपको इन तीनों का यूज करके 34 लाना है, इन तीनों का यूज करके 24 लाना है, तो इन तीनों का यूज करके यहाँ क्या आएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा सबको पहले जोड़ दूंगा, 6 5 11 और 4 15, 15 29 नहीं आने वाला है, 7 3 10 3 13 2 26 नहीं आने वाला है। तो मुझे एक चीज अब यहाँ दिखने लगा, मैं इंटू करूंगा इधर में क्या करूंगा, 6 × 5 कितना आ जाएगा 30, इसमें 4 जोड़ दूंगा 34, वैसे ही इन दोनों में इंटू करूंगा क्या करूंगा 3 × 7 + 3, 7 3 का 21 7 3 क्या 24। तो जब 2 में हमारा यही लॉजिक काम कर रहा है तो मुझे एक बात तो पता चल गया कि इसमें भी यही लॉजिक काम करेगा, तो मैं क्या करूँ 4 × 6 + 2, 4 × 24 अब क्या 26, और 26 हमारा ऑप्शन बी में है। कोई दिक्कत, 26 हमारा किस में है ऑप्शन बी में। ठीक है, इसी बात पर वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थैंक यू का पेज, इसमें क्या लिखा है, प्लीज बी इन टच विद अस ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पर चैनल क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना है सब्सक्राइब, लिंक्डइन पर जा क्या होना है कनेक्ट हो जाना है कनेक्ट, और वैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि यहाँ भी काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। और हमने रिसेंट में अपना C++ का एक प्लेलिस्ट लॉन्च किया है जो इंडिया का सबसे तगड़ा प्लेलिस्ट होने वाला है हिंदी में, चीज़ों को काफी बेसिक से लेकर काफी एडवांस तक बताया गया, तो आप अपने दोस्त में इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस प्लेलिस्ट को प्लीज शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में या फिर आपके जूनियर्स के ग्रुप में ताकि वो C++ काफी अच्छा से पढ़ पाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो में अंत करते हैं, वीडियो को अंत करते हैं, और आप हमसे जुड़ जाइए। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।